NX 131 में फतह समेटने के बाद लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का दबंग खिताब। बोले कि हल्के में इलेक्शन नहीं रिफरेंडम हुआ, इलेक्शन के फैसले अवामी अमंगों के मुताबिक आने चाहिए, अवामी मैंडेट का रास्ता नहीं रोका जा सकता। साबिक वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि इमरान खान सियासी इंतकाम की राह पर चल रहे हैं, एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम का सिलसिला बंद होना चाहिए, ये रवैया अफसोसनाक और गर्बनाक है, इससे मुल्क जमहूरियत और इमरान खान की अपनी हुकूमत को नुकसान होगा। ये रवैया सियासी इंतकाम का, अपने मुखालफीन को टारगेट करने का, लोगों के नाम ECL पे डालने का, लोगों के पासपोर्ट ब्लॉक करने का, और ये कहना वजीर आजम का TV पे आके कि मेरा बस चले तो 50 को गिरफ्तार करूं, और फिर फिंगर पॉइंट करना लोगों की तरफ, अफसोसनाक है, गर्बनाक है, और ये जमहूरियत के लिए, मुल्क के लिए नेक शगुन नहीं। लीगी रहनुमा शहबाज शरीफ समेत सियासी इंतकाम के नाम पर गिरफ्तार तमाम अफराद की रिहाई का मुतालबा भी कर डाला। हम इस मौके पर ये मुतालबा करते हैं कि कायदे हिजब इख्तलाफ मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को, हनीफ अब्बासी साहब को जो जमीर के कैदी हैं, इंजीनियर कमरुल इस्लाम को जो एक और जमीर के कैदी हैं, और उन तमाम लोगों को जो पोलिटिकली विक्टिमाइज किए गए हैं, उनको रिलीज किया जाए। ख्वाजा साद रफीक ने जिमनी इलेक्शन में हमायत करने पर पीपल्स पार्टी और मुतहिदा मजलिस अमल का शुक्रिया भी अदा किया।